हाय गाइज, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे YouTube का एडसेंस के जो दो नियम है, एक तो रेपिटेशियस कंटेंट, एक है रीयूज्ड कंटेंट। इसके ऊपर YouTube के हवाले से और भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आज के इस वीडियो पे मैं रेपिटेशियस कंटेंट एंड रीयूज्ड कंटेंट को लेके और भी आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, ताकि क्रिएटर लोगों को आगे जाके कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना। पूरा देखोगे तो ही पूरा नॉलेज भी मिलेगा, तो ना कि आपको बोर। चलिए आज का ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेपिटेशियस कंटेंट। हाँ दोस्तों, तो आज YouTube के हवाले से इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्योंकि रेपिटिशियस कंटेंट होने के वजह से आपके एडसेंस पे खतरा हो सकता है, एडसेंस जो है डिजेबल हो सकता है। तो आप रेपिटिशियस कंटेंट होता कौन सा है, कौन सा कंटेंट को हम रेपिटिशियस कंटेंट बोलेंगे और कौन सा कंटेंट रेपिटिशियस कंटेंट नहीं होता है, ये दोनों चीज़ मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले रेपिटिशियस कंटेंट के अंदर फॉलो कौन सा होगा, मतलब कौन सा कंटेंट को रेपिटेशियस माना नहीं जाएगा, रेपिटेशियस कंटेंट के अंडर पे नहीं आएगा, ये सबसे पहले मैं बोल लेता हूँ। तो सबसे पहले इन लोगों ने बोला है हमारे वीडियो पे जो इंट्रो और आउट्रो रहता है, मतलब इंट्रोडक्शन में एक म्यूजिक आता है, चैनल का नाम आता है, और फिर जब वीडियो खत्म होता है तब भी एक आउट्रो आता है जहाँ पे चैनल का नाम आता है और थैंक्स बोला जाता है, जो ग्रीटिंग हम लोग करते हैं बेसिकली, वो हर वीडियो पे सेम रहता है, मगर वो जो रहता है वो रेपिटेशियस कंटेंट नहीं होगा, रिपीटेड कंटेंट वो नहीं है। ये यूट्यूब का एकदम क्लियरिफिकेशन दिया गया है यूट्यूब के टीम के ओर से। उसके बाद जो बोला गया है कि हम लोग जो सीरीज पे वीडियो बनाते हैं, एक ही टॉपिक को, एक ही तरीके का टॉपिक का सीरीज पे वीडियो आते हैं प्लेलिस्ट पे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जैसे कि मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब टॉपिक को लेके, तो यूट्यूब टॉपिक पे ही मेरा वीडियोस आएगा, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, उसके बाद फिर हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन दिस वे, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन दिस वे, मतलब एक एक तरीका मैं बोलता जाता हूँ। तो वो रेपिटियस कंटेंट नहीं होगा अगर सीरीज पे वीडियो होगा और हर एक वीडियो पे यूनिक वैल्यू आप दे रहे हो। सेम वीडियो अगर डाल दोगे, सेम कंटेंट अगर आप एक्सप्लेन करोगे, तब वो रेपिटेशियस के अंदर पे आएगा। मगर आप अगर सीरीज पे वीडियो बनाते हो और हर एक वीडियो पे वही चीज को नया करके पेश करते हो, तो वो रेपिटेशियस कंटेंट के अंदर पे नहीं आएगा। ये YouTube के हवाले से क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, अब रेपिटेशियस कंटेंट जो होगा, जो नॉट अलाउड होगा, वो कौन सा है, ये सारे क्रिएटर को जानने की बहुत ही इच्छा था। तो आज के इस वीडियो पे ये मैं पूरा क्लियर करूंगा। तो नॉट अलाउड में सबसे पहले जो YouTube ने बोला है वो है टेकन कंटेंट फ्रॉम न्यूज़ फीड। कोई भी न्यूज़ फीड, जो न्यूज़ होते हैं उसका अगर आप कंटेंट लेते हो, एंड रनिंग ऑटोमेटिक वॉइस ओवर ऑन इट, अगर आप कोई भी न्यूज़ को उठा लेते हो न्यूज़ फीड से और उस पर सिर्फ थोड़ा सा वॉइस ओवर डाल देते हो, तो वो रेपिटेशियस कंटेंट के अंदर पे आएगा। ऐसा कंटेंट आप नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत सारे न्यूज़ जो आते हैं उसका न्यूज़ फीड उठा लेते हैं और उसके अंदर रनिंग ऑटोमेटिक वॉइस ओवर, उस पर ऑटोमेटिक वॉइस ओवर डाल के वीडियो पब्लिश कर देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं बहुत सारे वीडियोस पे। ऐसा कंटेंट अगर आप डालोगे तो वो रेपिटेशियस कंटेंट जो पॉलिसी है उसके अंदर आएगा, और इसके वजह से आपका जो गूगल एडसेंस है वो डिजेबल हो सकता है। तो इस पर सावधानी बरतना है आपको। उसके बाद जो बोला है वो है चैनल ऑल आर सॉन्ग्स। बहुत सारे चैनल्स होते हैं जहां पे सारे वीडियो ऑलमोस्ट सॉन्ग्स रिलेटेड होते हैं, मतलब सॉन्ग्स होते हैं, तो यहां पे आपको कौन सा चीज जो है नॉट अलाउड है। यहां पे बोला है होयर द स्पीच एंड द स्पेस, जो वीडियो का स्पीच होता है उसको और जो स्पेस होता है, स्पीड होता है, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके सेम सॉन्ग्स को अगेन एंड अगेन डाला जाता है, थोड़ा मॉडिफाई करके, वैसा चैनल जो है वो रेपिटेशियस कंटेंट जो है उस पॉलिसी वायोलेशन पे आएगा, गूगल एडसेंस के खिलाफ जाएगा, तो उन लोगों का भी एडसेंस जो है वो डिमोनेटाइज हो सकते हैं, डिजेबल हो सकते हैं, मोनेटाइजेशन कैंसिल होगा इसके वजह से। तो यहाँ पे बोला है ऑल सॉन्ग्स चैनल, जिसपे सॉन्ग्स
आते हैं और उस सॉन्ग्स पे आप लोग क्या करते हो, थोड़ा बहुत स्पीच को इधर उधर करते हो, साउंड को थोड़ा फास्ट थोड़ा स्लो करते हो और एक ही तरीके का सॉन्ग को बार 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 आप डालते जाते हो। ऐसा अगर करोगे तो वो भी रेपिटेशियस कंटेंट के अंदर आएगा, तो इसके वजह से आपको खतरा हो सकता है, ये नॉट अलाउड है। उसके बाद बोला है ऑल वीडियोज दैट आर टेम्पलेटेड। बहुत सारे चैनल देखे होंगे जहाँ पे एक ही तरीके का टेम्पलेट प्री डिफाइंड रहता है, एक ही तरीके का टेम्पलेटेड कंटेंट होता है, वहां पे क्या बोला है, इवन लाइक प्रोग्रामेटिक जेनरेटेड, मतलब वो जो टेम्पलेट होता है वो प्रोग्रामेटिकली कंटेंट को जेनरेट करते रहते हैं, मतलब ऑटोमेटिक आर्टिफिशियली कंटेंट जेनरेट होता रहता है विथ सेम टेम्पलेट, वैसा कंटेंट नहीं चलेगा, वो भी रेपिटेशियस कंटेंट के अंदर आएगा। ऐसा कंटेंट रहेगा तो भी ये पॉलिसी वायोलेशन होगा, जिसके वजह से एडसेंस डिजेबल हो सकता है। तो ये तो मैंने बात कर लिया रेपिटेशियस कंटेंट का, आप बात करता हूं आप लोगों का डाउट का। बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन आया है कि सर मैं तो एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, मतलब मेरा कैटेगरी मान लो कि मेरा कैटेगरी टैग का है और मैं यूट्यूब से रिलेटेड ही टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, तो हर बार नया नया टॉपिक भी सेम दिखने लगता है, तो वो क्या रेपिटेशियस हो गया? अगर वीडियो पे यूनिक वैल्यू होगा, अगर हर एक वीडियो न्यू तरीके से बताया गया होगा और उस पर स्लाइटली डिफरेंस होगा पहले के वीडियो से, सेम चीज़ अगेन एंड अगेन अगर आप नहीं बता रहे हो, उस पर कुछ न्यू वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वो रेपिटेशियस कंटेंट के अंदर पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये यूट्यूब का साफ साफ कहना है। तो डरने की कोई बात नहीं है, जो मैंने पॉइंट अभी क्लियर किया है उस पर सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा कंटेंट ना बनाओ। तो यहाँ पे आप बात करेंगे एडसेंस का जो दूसरा टॉपिक है रीयूज्ड कंटेंट को लेके, उसका क्या पॉलिसी है, उसका क्या है, क्या कौन सा कंटेंट को रीयूज्ड माना जाएगा और कौन सा कंटेंट को रीयूज्ड नहीं माना जाएगा एडसेंस पॉलिसी के अंडर पे, जिसके वजह से आपका एडसेंस हो सकता है डिजेबल हो या फिर आप मान के काम करोगे तो नहीं होगा। तो ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है, रीयूज्ड कंटेंट वो भी यूट्यूब एडसेंस पॉलिसी के अंडर पे। तो इस पे दोस्तों कहा गया है के यूज सम अदर्स प्रॉपर्टी, समवन अदर्स प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप कोई भी अन्य व्यक्ति का कंटेंट को अपने कंटेंट पे यूज करते हो विदाउट एडिंग योर वैल्यू, मतलब आपका खुद का कोई कमेंट्री या फिर आपका कोई योगदान नहीं रहता है उस कंटेंट में, सिर्फ दूसरे का कंटेंट लिए और उसको अपने यूट्यूब पे डाल दिए, तो वो होगा एडसेंस रीयूज्ड पॉलिसी के अगेंस्ट, जिसके वजह से आपका एडसेंस जो है आने वाले टाइम पे डिजेबल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप दूसरे व्यक्ति का कंटेंट को यूज़ करते हो अपने कंटेंट पे और उस पर आप थोड़ा बहुत वैल्यू प्रोवाइड करते हो खुद का, जैसे आपने थोड़ा सा कमेंट्री कर लिया या फिर आपने आपका वीडियो का ही मैक्सिमम पोर्शन रखा है, वहाँ से थोड़ा सा पार्ट ही यूज़ किया है, वो भी आपके वीडियो पे ज़्यादा वैल्यू देके, तब वो रीयूज्ड कंटेंट के अंदर नहीं आएगा। मगर आपने डायरेक्ट किसी दूसरे का कंटेंट उठाया और अपने यूट्यूब पे डाल दिया, तब वो रीयूज्ड कंटेंट के अंदर आएगा, जो कंटेंट को रीपर्पस्ड यूज़ किया गया है, एक ही कंटेंट को दो बार तीन बार अपलोड किया गया है, ऐसा कंटेंट होगा तो आपको एडसेंस के हवाले से पेनल्टी मिलेगा, एडसेंस डिजेबल हो जाएगा, तो ऐसा काम मत करना। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट यूट्यूब ने बताया है वो बता है ओरिजिनल ओनर गिवन यू फुल परमिशन टू यूज देयर वर्क, मतलब जो वीडियो का ओरिजिनल ओनर है उन्होंने आपको फुल परमिशन दे दिया है उनका कंटेंट को यूज करने के लिए, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं देगा, ऐसा पूरा साफ साफ आपको सर्टिफाइड भी कर दिया है, मगर फिर भी आप वही कंटेंट को डाल नहीं सकते। अब आप पूछोगे सर ये दरअसल तो छूट है क्योंकि रीयूज्ड कंटेंट अगर हम यूज करते हैं तो पेनल्टी मिलेगा, मगर ओनर ने हमको परमिशन दे दिया है कंटेंट को यूज करने के लिए, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं देगा, फिर भी वो कैसे रीयूज्ड हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों जो फ्री कंटेंट होता है, जो ओनर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, वही सेम कंटेंट को बहुत सारे लोग आपके जैसा रीयूज्ड करते हैं, तो वो क्या होता है प्लेटफॉर्म के अंदर रीयूज्ड हो जाता है, तो उस पर
कोई आप लोगों का योगदान नहीं रहता है और वो कंटेंट रीयूज्ड हो जाता है और वो गूगल एडसेंस पॉलिसी के अगेंस्ट है। गूगल के जो एडसेंस है उस पर एडवर्टाइजर नाम का भी एक चीज है। एडवर्टाइजर लोग एक ही टाइप के कंटेंट पे अपना एड दिखाना नहीं चाहता है, वो जो वीडियो यूनिक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है अपने ऑडियंस को वहां पर ही एड को रिप्रेजेंट करना चाहता है। और गूगल का जो टीम है वो भी चाहता है कि एडवर्टाइजर का एड जो है वो हर एक यूनिक क्रिएटर के वीडियोस पे ही दिखाई दे, इसीलिए रीयूज्ड कंटेंट का जो पॉलिसी है वो लाया है गूगल ने एडसेंस के हवाले से। तो ऐसा कंटेंट आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर ओनर परमिशन भी दे दे आपको कंटेंट यूज करने के लिए, उस कंटेंट पे भी आपको आपका खुद का वैल्यू प्रोवाइड करना है। कमेंट्री ऐड करो, नहीं तो आपका खुद का कंटेंट ज्यादा वैल्यू डाल के ऐड करो और थोड़ा सा पार्ट उनका यूज करो, तब वो रीयूज कंटेंट के अंदर पे नहीं आएगा। बाकी अगर आपने कोई दूसरे ओनर का चीज उठा के डाल दिया तो वो रीयूज कंटेंट के अंदर आएगा, अगर ओनर ने परमिशन दिया है तो भी आएगा। तो ऐसा कभी भी यूज मत करना। बहुत सारे जन यूज करते हो, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे ज्यादा इंपॉर्टेंट देके आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। उसके बाद जो दोस्तों बोला है वो है यूज्ड क्लिप्स एडिंग योर ओन व्यू। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने मूवी का थोड़ा सा पार्ट उठा के यूज़ किया है, कॉमेडी सेंस यूज़ किया है, या फिर कॉमेडी सेंस पे मैंने खुद का क्रिएटिविटी दिखाया है, मैंने अपना खुद का कॉमेंट्री यूज़ किया है, तब वो रीयूज्ड कंटेंट नहीं होगा। मगर आपने कोई मूवी का क्लिप्स उठाया और डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दिया तो वो रीयूज्ड कंटेंट के अंदर पे आएगा, जिसका पेनल्टी आपको भुगतना पड़ेगा। वो कंटेंट जो है वो मोनेटाइज नहीं रहेगा, एडसेंस भी इसके वजह से डिजेबल हो सकता है। तो आपको जब भी आप कोई क्लिप्स को उठाते हो कहीं से तो अपना खुद का वैल्यू उस पर ज़्यादा दो, ताकि उसका वैल्यू कम हो जाए और आपका वैल्यू ज़्यादा हो उस पर्टिकुलर कंटेंट में। जैसे कि आपने कॉमेडी सेंस उठाया मगर उस कॉमेडी का जो वॉयस है उसको यूज़ नहीं किया, आपने खुद का वॉयस को यूज़ किया और उस कॉमेडी के ऊपर आपने कोई टिप्पणी किया, तब वो ओरिजिनल कंटेंट होगा, तब कोई रीयूज्ड कंटेंट का इशू नहीं होगा। अब जो बात करूंगा वो है मूवी, मूवी बट एडेड योर बिलो। मूवी से कोई सेंस उठाया आपने और उस पर आपने आपका कमेंट्री, आपका रिव्यू, आपका वैल्यू ऐड करके बताया, तब वो कंटेंट जो है वो रीयूज्ड कंटेंट नहीं होगा। मगर आपने डायरेक्ट मूवी का कोई सेंस उठाया और यूट्यूब पे डाल दिया तो वो दरअसल रीयूज्ड कंटेंट होगा, जिसके वजह से आपका एडसेंस डिजेबल हो सकता है। ये स्ट्रिक्टली कहना है यूट्यूब टीम का। अब जो बोलूंगा ये और भी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हो। आप लोग क्या है, क्रिकेट का वीडियो बहुत सारे YouTube प्लेटफॉर्म पे डालते हो और वो स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट आप डाल भी सकते हो, मगर यहाँ पे क्या है, आप स्पोर्ट्स का जहाँ से भी कंटेंट को उठाते हो उसका कमेंट्री नहीं डाल सकते हो, उसका सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियो डाल सकते हो, जैसे कि मान लो सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो चल रहा है और वो कमेंट्री नवजोत सिंह सिद्धू या फिर जो पैनल पे बैठा हुआ कमेंटर है उनका कमेंट्री नहीं चलना चाहिए। उस कंटेंट को आप यूज करो मगर उस पे अपना कमेंट्री डालना है। आपको कमेंट करना है तेंदुलकर के ऊपर, आपको कमेंट करना है शोएब अख्तर के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चैनल का जो कंटेंट है उसको उठा के आपने डाल दिया, वहां पे आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो वो रीयूज्ड कंटेंट हो जाएगा एडसेंस पॉलिसी के अंडर और आपका एडसेंस जो है इसके वजह से डिजेबल हो सकता है। तो ऐसा भी मत किया करो और ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस ज्यादा रखो। और ऐसा तरीके का कंटेंट लेके अगर आप काम करते हो तो आपको यह होना चाहिए कि आपका जो रीयूज्ड कंटेंट है, मतलब जहां से भी क्लिप्स उठा रहे हो, उसका वैल्यू आपके कंटेंट के वैल्यू के मुताबिक बहुत कम है, आपका कंटेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप रोस्टेड चैनल देखते होंगे जहां पे मूवी का रिव्यू किया जाता है, बहुत सारे मूवी का क्लिप्स लगा देते हैं वो लोग। क्लिप्स तो चलते रहते हैं मगर कमेंट्री खुद का देते हैं, खुद क्या समझ रहा है, खुद क्या एक्शन, जो एक्शन है, इमोशन है, वो खुद करके वीडियो पे दिखाता है और उसी के साथ वो जो पार्ट है वो चलता है। तब वो पार्ट जो है वो रीयूज्ड के अंदर पे इसीलिए नहीं आता क्योंकि उस पे क्रिएटर ने अपना वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा दे देता है। तो ये आपको भी करना है अगर रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी से बचना है।
उसके बाद जो अब बात करूंगा वो है कंटेंट फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट। बहुत सारे जन ये काम करते हैं, YouTube का कंटेंट उठा के फेसबुक पे, फेसबुक का कंटेंट उठा के यूट्यूब पे, टिकटॉक का कंटेंट उठा के यूट्यूब पे, टिकटॉक का कंटेंट उठा के फेसबुक पे, और बहुत ज़्यादा व्यू भी मिल जाता है क्योंकि वो सब सेंसेशनल कंटेंट होते हैं, वल्गर कंटेंट होता है, लोग इसी पे इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाता है। जैसे कि अभी मैं कंटेंट बना रहा हूँ यूनिक जेन्युइन, मगर आप लोगों का इस टाइप का कंटेंट पे उतना इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि ये सब होते हैं बोरिंग। तो दोस्तों यहां पे जो मैं कुल मिला के घुमा फिरा के आप लोगों को समझाने वाला हूं वो है कंटेंट फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट। अगर आप उठाते हो जैसे कि मान लो कोई भी सिंगर या कोई भी आर्टिस्ट का सोशल मीडिया प्रेजेंस रहते हैं, वहां पे वो लोग कुछ भी डालते रहते हैं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कंटेंट डालते रहते हैं, वही कंटेंट को आप उठाते हो और क्लिप्स वाइज वो सारे कंटेंट को मर्ज करते हो। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल आपने किसी एक्टर का कोई टिकटॉक प्रोफाइल है उस पर गए और वहाँ पे छोटा छोटा क्लिप्स रहते हैं एक एक मिनट का, आपने सारे कंटेंट को उठाया और फिर उस सारे कंटेंट को मर्ज किया, ऐड कर दिया और एक वीडियो बना दिया 3 मिनट का और उसको आपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। ये जो कंटेंट है दरअसल रीयूज्ड कंटेंट होगा क्योंकि वहाँ पे आपका कोई भी वैल्यू आपने ऐड नहीं किया है। वो ऐसा कंटेंट अगर आप डालोगे तो वो मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आर्टिस्ट आपको परमिशन भी दे देता है ऐसा कंटेंट उजा से उठा के यूज़ करने के लिए, मगर फिर भी वो रीयूज्ड कंटेंट ही माना जाएगा। तो अदर सोशल प्लेटफॉर्म से उठा के कंटेंट डालना आज से बंद। YouTube का ये साफ साफ कहना है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग फ्रॉम आर्टिस्ट विथ परमिशन ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। बिकॉज क्यों नहीं एक्सेप्टेड है वो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कंटेंट तो YouTube प्लेटफॉर्म पे डाला ही नहीं गया, आपने तो किसी आर्टिस्ट का उठाया और आर्टिस्ट ने फुल परमिशन दे के रखा है अपने व्यूअर को उस कंटेंट को कहीं पे भी यूज करने का। मगर आप एक बात सोचो, ऐसा कंटेंट को यूज़ करने के लिए YouTube पे कितने लाखों लोग होंगे जो वही आर्टिस्ट का कंटेंट उठा रहा है और अपने अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, तो वो तो घूम फिर के रीयूज्ड हो गया ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे एक ही तरीका का कंटेंट हर बार ऐड होता जा रहा है। तो ऐसा अगर होगा तो वो भी रीयूज्ड कंटेंट होगा। तो आप लोग टिकटॉक का वीडियो जो उठा के क्लिप्स ऐड करके डालते हो वैसा कंटेंट नहीं चलेगा, ये एडसेंस पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर करोगे तो एडसेंस कभी भी डिसेबल हो सकता है। तो जो मैंने समझाया ये पूरा का पूरा जो समझाना है मेरा खुद का नहीं है, ये YouTube का टीम का है, YouTube का हेड का है, तो मेरा काम था आप लोगों को अच्छे से समझा दो। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफी नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर प्रेस करके जाना क्योंकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो पर इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों, बाय।